नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तरफ सभी को मेरे YouTube चैनल पॉलिटॉनिक्स पे स्वागत है। और दोस्तों, बहुत दिन वीडियो में नहीं दिया क्योंकि मेरा चेक्स नहीं था। और क्यों नहीं था वो भी एक बार मैं आपको बता दूं। एक्चुअली मेरे इधर में फेस्टिव चल रहा था, तो इसके कारण से मैं थोड़ा सा लेट किया। मतलब मेरा हो गया 20-22 दिन के आसपास हो गया चेक्स डालने में। एक्चुअली मैं 10-12 दिन में ही चेक्स डालता हूँ। तो दोस्त, आज सुबह में मेरा चेक्स आया है और आज से मैं नया वीडियो स्टार्ट करूँगा और हर रोज़ आपको वीडियो डाल के आपको डिटेल्स शेयर करता रहूँगा कि किस तरह से ब्रॉयलर को मैनेजमेंट किया जाता है। और आप सभी को पता है, जैसे जैसे अभी विंटर सीजन आने वाला है तो उसके लिए हम लोगों को कुछ अलग मैनेजमेंट करना है। तो अभी तो थोड़ा सा गर्मी है इसलिए मैं ब्रीडिंग मैनेजमेंट उतना मतलब विंटर के जैसा नहीं किया, लेकिन पर्दा मैं दो करके दे दिया। इस साइड में भी दो दिया, इस साइड में भी दो दिया, तो इस तरह से कर रहा हूँ। और 200 वाट का जो वाल्व है वो मैं एक ठू करके लगाया। और आप चीक्स को देख के पता कर सकते हो कि रूम का जो टेम्परेचर है वो कैसा है। जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर सही रहेगा तो चीक्स फैल के रहेगा, और रूम का टेम्परेचर कम होने से चीक्स एकदम साइड से चिपक के बैठेगा। तो दोस्त, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्त, यहाँ पे आपको एक बार चिक्स का एवरेज ग्रोथ दिखा दूँ। आज सुबह में ही आया और चिक्स फीडिंग भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि इसकी गले में मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये फीड। तो ये इस तरह से आपको भी चेक करना चाहिए कि चिक्स सफिशियंट फीडिंग के कर रहे कि नहीं, क्योंकि ये जो 7 डेज है ब्रूडिंग मैनेजमेंट का, ये बहुत ही वाइटल होता है। आपको हर चिक्स को फीड सफिशियंट इनटेक करवाना है, वरना चिक्स में छोटा बड़ापन आ जाता है। तो इसलिए आप चेक कीजिए उसका कॉप लेवल पे फीड है कि नहीं। बहुत सारे फार्मर्स फीड तो देता है लेकिन उसको चेक नहीं करता कि चिक्स सफिशियंट फीड इनटेक कर रहा है कि नहीं। तो आपको एक बार दिखा दूँ किस तरह से चेक करना है। किसी एक बार्ड को आप पकड़ लीजिए और उसका जो गले है ये देख पा रहे कितना फीड इनटेक किया, एकदम टाइट होके रह रहा है। तो आज फर्स्ट डे का चिक्स है, सफिशियंट फीड इनटेक कर रहा है। और फीडिंग मैं किस तरह से करवा रहा हूँ वो भी एक बार दिखा दो आपको। ये जो देख पा रहे हैं कि चिक्स फीडर, ये मैं 5 करके हर ब्रूडिंग पे दे दिया हूँ। और इस बार को जो चिक्स है मेरा, यहाँ पे 3 ब्रूडिंग है और वो जो रूम है आपको पता है कि मेरा और एक शेड है, तो टोटल 2 शेड मिला के 3000 चिक्स मैं इस बार को लिया हूँ। चिक्स फीडर दे के रखा हूँ और उसके साथ जो फीड है उसको छिड़क के दे रहा हूँ, क्योंकि यही मतलब खैसियत है पेपर बिछावन करने का। बहुत सारे फार्मर्स पेपर को बिछावन नहीं करते, तो पेपर बिछावन करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, चिक्स को सफिशियंट एटलीस्ट 2 दिन आप फीड खिला पाओगे। क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे चिक्स फीडर में फीड दे रहा हूँ, उसके साथ फीड छिड़क के दे रहा हूँ, जाके टोटल जो चिक्स है उसको सफिशियंट फीड मिले। और ये मैं 2 दिन करने वाला हूँ, और पेपर जैसे ही थोड़ा सा भीग जाएगा तो उसको मैं उठावन कर दूँ। और दोस्त, पानी के बारे में एक बार बता दूँ कि पानी मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्त, आपको पता है कि जैसे चिक्स आता है तो उस टाइम पे कुछ मतलब जैसे कि उसका एनर्जेटिक कुछ वाटर देना पड़ता है, जैसे कि ORS हो गया आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इस बार को ORS का इस्तेमाल किया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो उसको भी आप प्रॉपर मात्रा में मतलब हर लीटर वाटर में 1 ग्राम करके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने इस बार को ORS का इस्तेमाल किया। और ORS इस्तेमाल करने से चिक्स जो व्हीकल में आता है उसका थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है जार्किंग में, तो वो थोड़ा सा मिट जाता है। और अभी शाम का जो पानी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिंकर को उठावन करके यहाँ पे एकदम साफ सफाई किया जा रहा है। तो फ्रेश पानी में मैं वाटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि डे 1 से अगर आप वाटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसके लिए जो इकोलाई का जार्म है वो पहले से ही चिक्स के अंदर चला जाएगा। तो आप वाटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल डेफिनेटली पहला दिन से ही कीजिए। जो पहला पानी होता है ORS उसके साथ मत दीजिए, लेकिन नेक्स्ट जो पानी आप इस्तेमाल करोगे उसके साथ आप ज़रूर दीजिए। तो दोस्त, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे। अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पॉलिटी फार्मर को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। और मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं हर रोज़ देता रहता हूँ, जाके आपके पास पहुँचे, आप उसको चेक कर पाए। धन्यवाद।